नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीआरटी। ठीक है, सीआरटी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मेनली द सीआरटी यूज्ड इन आवर टेलीविजन्स। ओके, आजकल हम एलसीडी एलईडी यूज करते हैं, लेकिन हम हमारे घर में टेलीविजन्स हैं या नहीं है, पुराने आपने देखे होंगे, उनके अंदर सीआरटी यूज होती थी। ठीक है, सीआरटी अकेला टेलीविजन में यूज नहीं होता, सीआरटी का यूज सीआरओ में होता है, डीएसओ में होता है। सीआरओ क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। डीएसओ क्या होता है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, सीआरटी क्या है। ठीक है, सीआरटी इज अ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का क्या मतलब है? जहां वैक्यूम क्या होता है? वेयर एयर एंड मैटर इज नॉट प्रेजेंट, जहां हवा नहीं होती। ठीक है, वो वैक्यूम होता है। तो सीआरटी इज अ वैक्यूम ट्यूब। फिर ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हमारी सीआरटी मेनली। फिर उसमें हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी सीआरटी की। कंस्ट्रक्शन से हमारी डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, वही डेफिनेशन है, वही कंस्ट्रक्शन है, एक ही चीज है। ठीक है, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन पहले क्या क्या चीज है। अ सीआरटी इज अ वैक्यूम ट्यूब विच हैज एन इलेक्ट्रॉन गन। ये देख रहे हो, ये हमारे क्या? इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये हमारे क्या? कैथोड, ये एनोड। ठीक है, ये हमारे क्या? वर्टिकल प्लेट्स, वाई प्लेट्स जिसे हम कहते हैं। एक्स प्लेट्स क्या हमारी? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ये हमारी क्या? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये क्या हमारा? फिलामेंट। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है? सीआरटी का वो है डायग्राम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग। ठीक है, वर्किंग देखते हैं हम सबसे पहले। यहां से सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक लो वोल्टेज अप्लाई की हमने। कहां अप्लाई की? एक फिलामेंट पे। ठीक है, इंडक्टर टाइप सा ही ट्रांसफॉर्मर ऐसे बनाते हैं। तो ये हमारा क्या? फिलामेंट। ये क्या होगा हमारा? हीट होगा, हीटेड फिलामेंट। जब इसमें हमने लो वोल्टेज अप्लाई की तो ये फिलामेंट हमारे क्या हुआ? हीट हुआ। हीट होने के बाद क्या होगा इसमें? हमारे एक कैथोड है, यहां से क्या होगा हमारा? कैथोड हीट होगा। कैथोड क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे कैथोड से। कैथोड से स्टार्ट होंगे हमारी, तो यहाँ क्या होगी? हाई वोल्टेज जनरेट होगी। ये हमारा एनोड है, एनोड पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली बात है, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो क्या करेंगे? एनोड की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल जोर लगा देंगे। ठीक है, वो एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एनोड में क्या बना हुआ? एक टनल, टनल टाइप का बना रखा मैंने, देखो डायग्राम में ही। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होंगे वो इस टनल के थ्रू होते हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक पहुंचेंगे। इन फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक वो कैसे पहुंचेंगे? विदाउट डाइवर्टिंग, कुछ डाइवर्शन भी होगा उसमें, बिल्कुल ऐसे एक लाइन में कैसे चले जाएंगे? ठीक, उनके लिए क्या होगा? डिसिप्लिन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे होगा? ठीक है, जैसे हम करते हैं, हम रो बनाते हैं स्कूल्स में। ठीक है, हमारी क्या आदत होती है? हम रो में कभी नहीं चलते, तो हमारे क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं जो हमें रो में देखते हैं, भाई रो में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वैसे हमारे पास क्या है? वर्टिकल प्लेट्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, जो क्या करेंगी? डिफ्लेक्शन होने से बचाएंगे। जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जनरेट हो रही है उसकी डिफ्लेक्शन होने से बचाएगी वर्टिकल प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, वो उसको एक ही लाइन में रखेंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा हमारी? यहां पर हमारी इमेज क्रिएट होगी। जो हम टेलीविजन देखते हैं उसमें ये सारी प्रोसेस होती है सीआरटी की, ऐसे ही हमारे लो वोल्टेज अप्लाई की जाती है। फिलामेंट हमारा हीट होता है, गर्म होता है, कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एनोड की तरफ बढ़ते हैं, एनोड में टनल होता है, टनल के थ्रू हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट ना हो, डाइवर्ट ना हो, फैले ना कहीं। ठीक है, इसलिए हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स होती हैं। फिर हमारी क्या होती है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है आखिर में जाकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराती है, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा? इमेज क्रिएट होती है। ओनली इमेज क्रिएट होती है, लेकिन टेलीविजन में होती है इमेज क्रिएट। लेकिन अगर मैं सीआरओ और डीएसओ की बात करूं तो उसमें क्या होती है? हमारी वेवफॉर्म्स होती है, जो हम देखते हैं वोल्टेज करंट। ठीक है, वो वेवफॉर्म्स होती है, वो कैसे जनरेट होती है? सीआरटी की वजह से ही जनरेट होती है। ठीक है, तो सीआरटी मेनली वर्किंग यही है हमारी, डेफिनेशन भी यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं और ये वर्किंग होती है। ठीक है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है हमारी, ये हमारी सीआरटी की वर्किंग हो गई। अब आते हैं इसके एडवांटेज, सीआरटी के एडवांटेज क्या है। सीआरटी में क्या होती है? हमारे जो टेलीविजन होता है बहुत ही अच्छा दिखता है, उसका कलर्स की जो रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, किसके मुकाबले? एलसीडी और प्लाज्मा डिस्प्ले के मुकाबले। और जो इसका कॉस्ट होता है, सबसे मेन बात होती है, जो सीआरटी का कॉस्ट होता है वो एलसीडी और प्लाज्मा डिस्प्ले के मुकाबले लो होता है। कॉस्ट बहुत चीपेस्ट प्राइस में हमें
ये कहते हैं सीआरटी मिल जाती है। आपने देखा ही होगा टेलीविजन हमारे सस्ते ही होते हैं एलसीडी के मुकाबले, ठीक है। और थर्ड वो देता हूं आपको एडवांटेज का, क्या है जो इसकी क्वालिटी होती है ना वो एलसीडी के मुकाबले अच्छी होती है, कलर्स क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। डिसएडवांटेज का मेन क्या है, एक तो ये सीआरटी बहुत बड़ी होती है, हमने टेलीविजन को देखा भी होगा, खोल के भी देखा होगा उसको, उस सीआरटी ही होती है जो टनल टाइप से ऐसे ही बनी होती है, उसका साइज क्या होता है बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है साइज वाली। फिर क्या होता है इसमें जो इसकी रेडिएशन होती है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी थोड़ी हैजार्ड्स करती है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन नुकसान पहुंचाती है। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस के एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए। यही हमारी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो मेनली कहां यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होती है, जो टेलीविजन में यूज होती है, सीआरओ में यूज होती है और हमारे डीएसओज में यूज होती है। तो ये हमारा सीआरटी का फुल कंसेप्ट था। और आपको मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, मैंने आपको सिर्फ समझाया क्योंकि आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर जाकर वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको सीआरटी के, वहां से डाउनलोड कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। जो मैंने आपको बताया सारी चीजें हैं वहां, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। आप वहां से देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़िए और पढ़ाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट से पता चलता है कि वीडियो कैसी है, उसमें क्या कमी है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिए। और सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस चैनल है हमारा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच। और बता दिया मैंने आपको पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है इसके, वहां से नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।